भाई आपको शॉटगन में वो जो छोटी वाली शॉटगन आती है ना पिस्तौल के अंदर, उससे 1v4 क्लच करना है और ये काफी हार्ड होगा। सीएस रैंक के अंदर आपको 2 किल कटाना से करना होगा। आपको एनिमी के सामने जाना है, उसके सामने ना नाचने वाला एक इमोट करना है और उसको पीछे से जाके फिर उसको मारना है पैन से वो भी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो अब तक के मेरे जितने भी फ्री फायर वीडियोस थे उस वीडियो में से सबसे हार्डेस्ट चैलेंज वाला वीडियो है। इस वीडियो के ऊपर मैं पिछले 4 दिन से काम कर रहा हूं और इन 4 दिन के अंदर मैंने 100+ गेम खेल डाले। सो बात यह है कि मैंने आज से करीब कुछ दिन पहले अपने कुछ यूट्यूबर फ्रेंड से अपने वीडियो के लिए कुछ चैलेंज मांगा था और चैलेंज इन लोगों ने इतना हार्ड दिया कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 100 से ज्यादा गेम खेलना पड़ा। और हाँ गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये चैलेंज अब तक का हार्डेस्ट चैलेंज था, इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 दिन खेलना पड़ा, तो इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो इस वीडियो में सब लोग एक साथ लाइक कर देना, इस वीडियो में लाइक एम करते हैं 1 लाख लाइक, और वीडियो का सबसे हार्ड चैलेंज कमेंट करना। आप लोग वीडियो को देखो तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि कितना हार्ड था इसको बनाने के लिए। अभी आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चैलेंज मांगा सुनीता से और सुनीता ने मुझे ये चैलेंज दिया। अमित भाई, सीएस रैंक के अंदर आपको 2 किल कटाना से करना होगा। तो मुझे सीएस रैंक मैच के अंदर जाकर 2 बंदे को कटाना से मारना होगा, जो कि काफी इजी चैलेंज था और ये मेरा पहला अटेम्प्ट में कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं रिशु और स्मार्टी के साथ सीएस रैंक खेल रहा था और यहाँ पर पहला बंदा को मैंने कटना से नॉक कर दिया। अब उनके टीम में सिर्फ एक ही बंदा अलाइव था, जहाँ पर मैंने इनको बोला कि मुझे सुनीता ने चैलेंज दिया है, मुझे 2 बंदे को कटना से मारना है सीएस रैंक के अंदर। तो यहाँ पर इन लोगों ने उस एनिमी को मारा नहीं और आप लोग देख सकते हो मैंने इसको मार दिया और ये सीएस रैंक मैच था। सुनीता का चैलेंज कम्प्लीट करने के बाद यहाँ पर दूसरा चैलेंज दिया था मुझे अज्जू भाई ने, और अज्जू भाई का चैलेंज ये था। भाई आपको शॉटगन में वो जो छोटी वाली शॉटगन आती है ना पिस्तौल के अंदर, उससे 1v4 क्लच करना है और ये काफी हार्ड होगा, बट अगर आपने कर दिया तो यही तो चैलेंज है ना, हार्ड होगा तभी तो मजा आएगा। अज्जू भाई के ये चैलेंज सुनने में जितना इजी था, करने में उससे 10 गुना ज्यादा हार्ड था, क्योंकि अगर एनिमी के पास लेवल 4 का वेस्ट होगा तो वो एनिमी कभी मरेगा ही नहीं इस गन से यार, जब तक आप उसको हेडशॉट ना मारो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 बंदे को मार दिया है और तीसरे बंदे को गाइस यहाँ पर मैं मार देता हूँ अभी जाकर, बट वहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि तीसरे बंदे को मैंने भागा भागा के मार दिया और चौथा बंदा यार रस नहीं करता, वो भाग जाता है, तो हम करें तो करें क्या। मैंने इस एक चैलेंज के लिए स्मार्टी और ऋषु के साथ पूरा रात खेला, स्मार्टी और सन्नी के साथ पूरा दिन खेला, सोलो वर्सेस स्क्वाड, डुओ वर्सेस स्क्वाड, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, मैंने हर कोशिश किया बट ये चैलेंज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और सबसे खास बात यह है कि मैंने बहुत किल किया इस गन से, मैंने पूरा का पूरा चैलेंज कर डाला, मैं इस गेम से बुया भी कर डाला, बट एक साथ 4 बंदे मिल नहीं रहे थे यार। और सबसे बुरी बात तो ये था गाइस, एक बार मैंने 2 बंदे को नॉक किया था और यहाँ पर तीसरे बंदे से फाइट कर रहा था और इस बंदे को जैसे मैं फिनिश कर रहा था कि सब लोग खुश था, स्मार्टी भी खुश था कि मेरा किल किसी ने चोरी कर दिया यार, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, मैं मनी मनी रोने लग गया था। अरे इस टाइम पे मैं करता तो क्या करता, तो मैं उस किल चोर के पास गया और उस क्विल चोर के भगा भगा के कुत्तों की तरह मारा, बट ये भी नॉक हो गया। और मतलब इससे बुरा किस्मत मेरा कुछ नहीं हो सकता, स्मार्टी भी यही बोल रहा था, मैं रोने लगा था इस टाइम यार, बट मेरी अंदर गाइज एक आत्मा बस चुकी थी कि मुझे इससे 1v3 1v4 जो करना है करना है, पर हर बार एनिमी नॉक हो रहा था यार, कभी फिनिश नहीं हुआ, मेरे को बस पूरा स्क्वाड को एक टाइम पे एलिमिनेट करना था। यहाँ पर बंदा डबल वेक्टर लेके घर के अंदर कैंप कर रहा था, इसको मैंने M1873 से इसके घर में घुसकर कुत्तों की तरह मार डाला। भाई मैंने अज्जू भाई का एक चैलेंज कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन इस गन से खेला, बट गाइज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये लोग ग्रैंड मास्टर रैंक पुशिंग स्क्वाड था और अपने पास सिर्फ पिस्टल था और स्मार्टी ने ट्रीटमेंट स्नाइपर से इस बंदे को नॉक कर दिया, तो आप समझ सकती हो गेम कितना इंटेंस चल रहा था। बट गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया जहां पर हम इस चैलेंज को अब कंप्लीट करने वाले थे। तो यहां पर मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था और यहां पर एक लड़की का नेट गया था, जैसे मैं इसके सामने जाकर हेड मारने की कोशिश कर रहा था कि इसका नेट आ गया और ये काफी अच्छा मूवमेंट कर रहा था, मैंने यहाँ पर वुकुंग बनने का फैसला किया, बट मुझे पता चला कि मेरे पास तो वुकुंग है ही नहीं, मैं यहाँ पर सीएस का एबिलिटी लेकर आया हुआ था, तो मेरे पास गाइज ये होमर था, बट कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पर मैंने एक लड़की को इस गन से नॉक कर दिया। अब मैंने सामने की तरफ एक बंदा देखा था जो इसका टीममेट था, तो मैं इसका वेट करने लगा और अपने आप को यहाँ पर मेडिकिट मारने लगा, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर इस घर के साइड मैंने एक बंदा देखा था, मतलब मार्क आया था, वो देखो ऊपर गाइज वो बंदा ऊपर से मेरे को एम लेने की कोशिश कर रहा है, बट कोई बात नहीं गाइज, मैं फिर से इस भूसे के पीछे आ रहा था और लड़की को यहाँ पर लूटने के लिए मैं इस साइड आ गया और आप देख सकते हो मुझे किसी ने मारा और लेफ्ट से भी एक बंदा आ रहा था, मैंने देख लिया उसको, तो मैंने उसको ऐसा ट्रीट किया कि मैंने उसको देखा नहीं है, तो मैं इस भूसे के ढेर के पीछे फिर से आ गया और यहाँ पर किसी ने मेरे को हेडशॉट मारा, मतलब ये लोग फुल रस वाले मूड में थे और एक बंदा लेफ्ट से रस करेगा मुझे पता था, तो मैं यहाँ पर आराम से उसका वेट करने लगा, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने उसको देखा नहीं है और जैसे ही मेरे नज़दीक आया उसको गाइस यहाँ पर मैंने जंप करके मारा और उसने मेरी चड्डी फाड़ दी थी, उसने मेरे को बहुत कम एचपी में रख दिया था, बट कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर मैंने इसके टीममेट को भी नॉक कर दिया, तो यहाँ पर 2 किल हो चुका था, अब मुझे और 2 किल करना था। अभी गाइस देखो अगर वो दोनों बंदे रस करेंगे तो मैं उसको मार दूंगा, अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंट आ चुका था, बट स्टिल यार डिपेंड करता है कि वो क्या बचाने जाएगा तो फिर मेरी वाट लग जाएगी।
तो यहाँ पर मैं वेट करने के अलावा कुछ ऑप्शन मेरे पास था भी नहीं, मैं वेट करने लगा। और फॉर्चुनेटली यहाँ पर तीसरा बंदा MP40 लेके आ गया और इस बंदे के ऊपर मैंने ऐसा जंप करे हेडशॉट मारा और इसका पूरा का पूरा टीम को एलिमिनेट कर दिया। अभी आप लोग बोल सकते हो कि तुमने 1v3 किया है, 1v4 नहीं किया। गाइस यार 1v4 मैंने पूरा दिन खेला तब मिला ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं यार। अज्जू भाई ने दिया हुआ चैलेंज इतना हार्ड था कि इसको करने के लिए मुझे पूरा रात लगा, तो गाइस जिसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। तो गाइस यहां पर अभी आता है रोमियो की बारी, तो रोमियो ने क्या चैलेंज दिया चलो सुनते हैं। अमित भाई मेरी तरफ से आपको ये चैलेंज है कि आपको वेंडिंग मशीन पे जाना है और एनिमी का लोकेशन मार्क करना है जो 400 टोकन से मार्क करते हैं, ठीक है, उसको जाके सीधा वन टैप मारना है। अगर वन टैप के बिना एक भी सेकंड गोली लगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चैलेंज पूरा नहीं कर पाए, और वन टैप मार दिया तो भाई हम लोगों में से सबसे ज्यादा प्रो आपको मार दिया। तो रोमियो का चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मैं कालाहारी मैप पे आ गया। यहाँ पर मैं स्मार्टी के साथ खेल रहा था और यहाँ पर मैंने बाउंटी हंटर लगाया था। अब मुझे इस बंदे को पहली गोली से हेडशॉट मारना था, तो आप देख सकते हो सामने बाउंटी हंटर वाला मैप पे देख सकते हो बंदा आ रहा है। तो यहाँ पर पहला गोली मेरा मिस हो गया और दूसरा गोली मिस हो गया, बट मैंने हेडशॉट मार दिया था, तो ये चैलेंज फेल होता है। तो हम दोबारा इस चैलेंज को करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से स्क्वाड रैंक मैच खेल रहा था बर्मुडा मैप के अंदर। मैंने बाउंटी हंटर लगाया, ऊपर बाउंटी हंटर था, उसके सामने गया, उसको मैंने वन टैप मारा और रोमियो का चैलेंज कंप्लीट कर दिया। मतलब पहला गोली में बाउंटी हंटर को मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया, जो कि बहुत ही इजी चैलेंज था। रोमियो अगली बार थोड़ा हार्ड चैलेंज देना। अभी हम अगले चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैलेंज मुझे दिया था यहाँ पर RRR ने, अभी देखो उसका चैलेंज होता क्या है। हेलो अमित भाई, इट्स मी RRR। आपका चैलेंज ये है कि आपको सोलो रैंक मैच में एक एनिमी को दो बार मारना है। बेस्ट ऑफ लक भाई। भाई सोलो रैंक मैच में एक बंदे को दो बार मारना बहुत इजी है, बट सोलो वर्सेस स्क्वाड में एक बंदे को चार बार मारना इज वेरी हार्ड। तो हम लोग वो करने वाले। तो यहाँ पर RRR का चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मैं उतरा ऑब्जर्वेटरी में, और ऑब्जर्वेटरी में उतरने के बाद गाइज अब मुझे एक बंदे को दो बार मारना था, जो कि गाइज नॉर्मली बहुत इजी होता है, क्योंकि सोलो में आपको पता होगा अगर आप एक बार मर भी जाते हो तो आपको दोबारा से यहाँ पर रिवाइव करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको दूसरा मौका मिलता है गेम को खेलने का। तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को अभी मार दिया है। वो बंदा गाइज मुझे पूरा भरोसा है कि बदला लेने के लिए वो ऊपर से यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर गाइज मैंने देखा कि आसमान से वो बंदा इधर ही आ रहा था। तो आप लोग गाइज इससे पहले मैंने जिस बंदे को मारा उसका नाम मैच करो इस बंदे के साथ, आप देखो दोनों सेम बंदे था। तो मैंने यहाँ पर एक बंदे को दो बार मार के RRR का चैलेंज कंप्लीट कर दिया। बट अभी गाइज मुझे एक बंदे को चार बार मारना है, वो भी डुओ वर्सेस स्क्वाड में जहाँ पर मैं खेल रहा हूँ श्रीवाटी के साथ। अब यहाँ पर देखो हमने कैसे किया इसको। तो हम लोग खेल रहे थे डुओ वर्सेस स्क्वाड और एक बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक किया, इसका नाम अरमान या फिर कुछ था। तो यहाँ पर इस बंदे को मैंने फिनिश किया, उसके बाद मैं इसी ग्रेवयार्ड के ऊपर गया तो वो बंदा दोबारा से आ गया, तो उसको मैंने दो बार नॉक किया। मतलब सोचो एक ही बंदे को दो दो बार मैं नॉक कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं ग्रेवयार्ड के नीचे गया वहां पर देखता हूँ कि वही बंदा दोबारा से वहां पर है। तो मैंने गाइस एक बंदे को तीन बार मार चुका था, तो उसके ऊपर जाके मैंने हंस दिया ताकि वो दोबारा से मेरे पास आए और इसको मैं मारूं। उसके बाद हम लोग नॉर्मली खेल रहे थे तो हम लोग ने CPR पे उसी टाइप के एक बंदे को देखा, मुझे लगा कि ये बंदा वही हो सकता है, तो हमने रस करके उस बंदे को गाइस दोबारा से मार दिया। मतलब कि एक बंदे को चार बार RRR ने मुझे जो चैलेंज दिया था उसका डबल हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। RRR का चैलेंज काफी इजी था, जो कि मैंने काफी इजीली कंप्लीट कर लिया। अब बारी है टोंडे गेमर की, तो गाइस यहाँ पर टोंडे गेमर ने मुझे क्या चैलेंज दिया चलो सुनते हैं। चलिए अमित भाई आपके लिए एक चैलेंज है, आपको एनिमी के सामने जाना है, कोई भी एनिमी के सामने, और उसके सामने ना नाचने वाला एक इमोट करना है और उसको पीछे से जाके फिर उसको मारना है पैन से वो भी। देखो मैं अपने सब्सक्राइबर को टीम अप करके ऐसे मारना तो नहीं चाहता, बट इस सीरीज में टोंडे गेमर पहली बार आ रहे हैं तो उनका बात को मानना पड़ेगा। चलो गाइस अभी गेम में जाते हैं, किसी के साथ टीम अप करते हैं, उसको इमोट दिखाते हैं और पीछे से मारते हैं। तो टोंडे गेमर का चैलेंज काफी हार्ड है, बट इस चैलेंज को मैं और हार्ड करने के लिए गाइस मैं यहां पर कर रहा हूं ओनली ऑक चैलेंज, और इसी चैलेंज के अंदर हम लोग टोंडे गेमर का चैलेंज को भी कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरा का पूरा गेम मैं इस ऑक गन से खेलूंगा और इस गेम को जितना भी है, और इस गेम के अंदर किसी को टीम अप करके उसके सामने इमोट दिखा के पैन उठा के उसके पीछे से जाके पैन से उसको मारना भी है। तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है गाइस, इस वीडियो को लाइक करो नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। अभी देखते हैं गाइस कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता हूँ या फिर नहीं। भाई मैं इस गेम में ना सबसे टीम अप करना चाहता था, बट कोई टीम अप करना चाहता ही नहीं यार। तो यहाँ पर मुझे मजबूरन लोगों को खोज खोज के मारना पड़ रहा था, जो कि मैं ऑफ चैलेंज भी कर रहा था, तो मुझे जितना भी जरूरी है क्योंकि हमारा चैलेंज बिना भूया का काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते देखते गाइस मैंने तीन किल कर डाले, उसी के साथ मैं यहाँ पर बाकी एनिमी की तलाश में खोजते खोजते सबके साथ टीम अप करने के लिए निकल पड़ा। भाई यहाँ पर मैं पैन की तलाश में पूरा भटकता रहा, क्योंकि टोंडे गेमर ने बोला था कि मुझे पैन से मारना है एंड में, तो मैं पैन यहाँ पर मुझे मिला नहीं था तो मैं पैन खोजने लगा। बट यहाँ पर ऑक चैलेंज भी चल रहा था तो गेम काफी ज्यादा इंटेंस हो रखा था। तो यहाँ पर एक के बाद एक करके मैंने न जाने कितने किल कर डाले, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 किल 7 किल 8 किल, न जाने गाइस मैंने यहाँ पर कितने किल कर डाले।
बट गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया जहां पर मेरे साथ एक बंदे ने टीम अप कर लिया, तो मैंने भी उसके साथ टीम अप कर लिया, बट मेरे पास अभी भी पेन नहीं था, तो लास्ट वाले बंदे को मैंने गाइस यहां पर रश करके मार डाला। अब मेरे पास टीम अप वाला बंदा सिर्फ था, तो मैंने लास्ट वाले बंदे के लूट में जाकर मैंने देखा तो वहां पर मुझे मिला पेन, जिस चीज का मैं इतना देर से वेट कर रहा था वो फाइनली यहां पर पेन भी लास्ट वाले बंदे के साथ मिल गया। तो गाइस मजबूरन ही मेरा सब्सक्राइबर है बट मुझे मारना पड़ेगा बिकॉज टोंडे गबर ने चैलेंज दिया है। तो गाइस यहां पर मैंने इस बंदे को इमोट दिखा के मारने का मन तो किया बट मन ही मन मेरे काफी ज्यादा बुरा भी लगा क्योंकि यार ऐसे इमोट दिखा के किसी सब्सक्राइबर को मारना काफी बुरी बात है। तो जो भी सब्सक्राइबर तू है भाई तेरे को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, आई एम सॉरी भाई। तो गाइस यहां पर मैंने इस बंदे को मार दिया है। तो गाइस ये वीडियो मतलब बनाने में ना मेरे काफी ज्यादा इमोशनली बुरा लगा क्योंकि यार एक सब्सक्राइबर को टीम अप करके मारने में उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा था, बट कोई बात नहीं चैलेंज कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर चैलेंज। तो गाइस यहां पर मुझे अगला चैलेंज दिया है श्रेय वाईटी ने, उसका चैलेंज क्या है चलो सुनते हैं। अमित भाई आपको जो भी चैलेंज दो आप तो कर ही लेते हो, इसलिए थोड़ा हार्ड देता हूं इस बार। तो आपको क्या करना है, सोलो रैंक मैच में एक बंदे से टीम अप करना है, उस बंदे को अपने ग्लू वॉल में पैक करना है और ग्रेनेड फ्लैश बैंग लैंडमाइन से किल करना है। भाई मैंने अभी अभी टोंडे गेमर के चैलेंज के चक्कर में अपने सब्सक्राइबर को इतने बुरी तरीके से मारना पड़ा, तो दोबारा से मैं अपने सब्सक्राइबर को इस चैलेंज के चक्कर में नहीं मारना चाहता। तो गाइस मैं श्रेय वाईटी का चैलेंज नहीं करूंगा, तो अभी हम दूसरा किसी का चैलेंज करते हैं। अगला चैलेंज दिया गाइज यहाँ पर विराज ने, अभी हम इसका चैलेंज सुनते हैं चलो। अभी आपको ये चैलेंज है कि आपको एक गेम पे दो किल करना है वो भी लैंडमाइन से। भाई ये चैलेंज सुनने में जितना इजी लग रहा है ये चैलेंज सबसे हार्ड चैलेंज था अब तक का। ये चैलेंज करने के लिए सिर्फ मुझे 3 दिन लगा, मैंने इस चैलेंज के लिए करीब 50 गेम खेले एंड फाइनली इस चैलेंज को गाइज मैंने लाइव स्ट्रीम में 5000 लोगों के बीच सुबह के लाइव स्ट्रीम में कंप्लीट कर दिया। भाई साहब जब मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया तो मेरे अंदर की खुशी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इस चैलेंज के लिए श्रेय वाईटी गाइज मुझसे खेलना छोड़ दिया। उसको मैंने 30-40 गेम खिलाया, वो पक गया, थक गया, वो छोड़ के भाग गया। नहीं होगा अमित भाई आप मत करो बोल के वो भाग गया, बट स्टिल गाइज चैलेंज किंग हो भाई। मैंने इस चैलेंज को रैंक मैच में लाइव स्ट्रीम में कंप्लीट करके दिखाया है, आप लोग इस क्लिप को देखो। भाई आप लोग सोचोगे कि यार लैंडमाइन से दो किल करना कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई भी कर सकता है, बट बात ये नहीं है यार, जब जरूरत के वक्त लैंडमाइन चाहिए ना तब लैंडमाइन मिलता नहीं है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक बंदे को मैंने डैमेज दिया था और इस पेड़ के आगे पीछे इसको मैंने बहुत नचाया और गाइज उसको लैंडमाइन से फोड़ के मार दिया। मैं मानता हूँ यहाँ पर पहला किल हो चुका है क्योंकि इसके पास शायद से वेस्ट नहीं होगा, बट जब सामने वाले एनिमी के पास लेवल 4 का वेस्ट होगा ना तो वो दो लैंडमाइन से भी फटता नहीं है यार। तो ये चैलेंज लिए मुझे स्पेशल 2-3 दिन खेलना पड़ा भाई, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो मैंने कितना दिमाग लगाया, बंदे को रस किया, लैंडमाइन लगाया, मतलब वो दो लैंडमाइन अभी वेस्ट हो गया ना, अभी ये फटा नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं कालहारी में इस छत के ऊपर चढ़ गया और यहाँ पर सनी और स्मार्टी मेरे साथ खेल रहे थे और आप देख सकते हो यहाँ पर इस छत के ऊपर मैंने लैंडमाइन लगा के बैठा था और एक बंदा आया इसको मार दिया, बट अब दूसरा लैंडमाइन मेरे पास है ही नहीं। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दो लैंडमाइन लगाया ताकि वो बंदा लैंडमाइन में आके फट जाए बोलकर, बट उससे पहले मैं खुद मर गया, तो ये तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो काफी सोच समझ के खेलना था। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया, उसका टीममेट बचाने के लिए आ रहा है, मैंने यहाँ पर लैंडमाइन लगा दिया, मतलब लैंडमाइन फटता है 135 का क्योंकि इसके पास 3 का वेस्ट है तो ये मरेगा नहीं। यहाँ पर लैंडमाइन मैंने लगा दिया, ग्लूवॉल के आर पर लैंडमाइन फट गया, लैंडमाइन वेस्ट हो गया। मेरे पास दो लैंडमाइन अभी भी था, मैंने यहाँ पर दो लैंडमाइन लगाया तो लड़की यहाँ पर भाग के चले गई थी, मुझे पिस्टल से मारना पड़ा। भाई काफी ज्यादा हार्ड चैलेंज हो रहा था ये। जैसे कि आप यहीं पर देख सकते हो यहाँ पर एक बंदा रिवाइव कर रहा है, अपने टीममेट को बचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिल पे मैंने जाके 2-3 लैंडमाइन लगा दिया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा आएगा। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर कोई आएगा, तो आप लोग यहाँ पर देखो एक किल तो मुझे यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर कोई आके मेरे लैंडमाइन में फट के मर गया, तो लैंडमाइन से मुझे पहला किल तो मिल गया, बट अब दूसरा किल कैसे करूंगा ना क्योंकि मेरे पास लैंडमाइन है ही नहीं। वहां पर जो लैंडमाइन ऑलरेडी था वो फोड़ चुका है। तो गाइस जैसे तैसे भाई मैं क्या बताऊं यार, हमने पूरा दिन रात एक करके मैंने दोबारा से ट्राई किया। यहाँ पर पिक पे आया, पिक पे मैंने दो लैंडमाइन लगाया, आप देख सकते हो एक लैंडमाइन ऐसे किसी ने फोड़ दिया, दूसरा बंदा उसके अंदर घुसा बट सिर्फ 91 का डैमेज गया, तो मुझे पिस्टल से मारना पड़ा इस बंदे को, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। जैसे कि यहीं पर देख लो गाइस मैंने यहाँ पर 2-3 लैंडमाइन लगा दिए क्लॉक टावर वाले घर पे और वो तीनों को तीनों लैंडमाइन फोड़ गया बट मुझे कोई भी किल नहीं मिला। भाई बहुत बार मरने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी गाइस, तो यहाँ पर मैं अपने रैंडम स्क्वाड के साथ यहाँ पर ब्लू जोन में उतर गया और यहाँ पर दो लैंडमाइन लगा हुआ था, तो यहाँ पर मैं दो लैंडमाइन फटके मर गया और मैं काफी ज्यादा सैड हो गया क्योंकि मैं लैंडमाइन से दूसरों को मारना चाहता था और यहाँ पर मैं खुद लैंडमाइन से मर गया। और गाइस ये रैंडम प्लेयर मेरा सब्सक्राइबर था, इसने मुझे बचा दिया, इसको मैंने थैंक यू बोला। और गाइस मैंने इस सब्सक्राइबर को बोला कि भाई मुझे लैंडमाइन खोज के ला के दे, तो वहाँ पर उसने मुझे एक लैंडमाइन दिया, मैंने यहाँ पर लैंडमाइन लगाया और यहाँ पर एक बंदा आ गया बट बंदा गन से नॉक हुआ ना कि लैंडमाइन से, तो मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि मैं दो लैंडमाइन से नॉक हुआ था तो मुझे एक जगह में दो लैंडमाइन लगाना होगा, तो मैंने पूरा स्क्वाड को बोला कि तुम लोग लैंडमाइन खोज के लाओ और मुझे दो। तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को मारा था, मुझे दो लैंडमाइन मिला, मैंने यहाँ पर फिर से दो लैंडमाइन लगा दिया
अब यहाँ पर मैं बस वेट करने लगा कि कब यहाँ पर कोई आएगा और उसको मारूंगा। और वहाँ पर एक बंदा फाइनली एनिमी आ गया गाइस मेरे हाथ में मरने के लिए और ये बंदा नॉक हो गया। आप मेरी खुशी देख सकते हो, मैंने एक की लैंडमाइन से किया। आप मेरा खुशी और दुखी मेरा वहाँ पर फेस के मैं देख सकते हो। अगर तूने चार लैंडमाइन मुझे दे दिया ना भाई, अब भी रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। तो गाइस यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला मैं आपको लैंडमाइन दूंगा, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करो। मैंने बोला तू लैंडमाइन दे, मैं अभी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। उसके बाद गाइस हम लोग जोन के सेंटर में गए जो कि ये वाला घर था सामने की तरफ। उसके बाद भाई साहब मैंने यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लैंडमाइन लगा दिया। ये बंदा मुझे बोल रहा था आप अमित भाई हो क्या, मैं बस मजाक कर रहा था नहीं हूँ बोल के, बट एंड में मैंने बता दिया अमित भाई हो यार, सच सच बताओ यार। उसके बाद गाइज वहाँ पर बंदा आ गया, मैंने अपने आप को वहाँ पर पैक किया क्योंकि यार मैं ऐसे मरना नहीं चाहता था यार। अब एक बंदे को मैंने मार चुका था लैंडमाइन से, अभी मैं दूसरा बंदा को भी लैंडमाइन से मारना चाहता था क्योंकि इस चैलेंज में ऑलरेडी मैंने दो तीन दिन अपना वेस्ट कर चुका था। तो मैं गाइज ऊपर ऐसे बंदे को ना लोकेशन दे रहा था कि कोई आ जाए, तो मुझे पता चला बाहर एक बंदा अभी अभी लैंडमाइन से नॉक हुआ है। अब मुझे मैं मर जाऊं आई डोंट केयर, मुझे उस नॉक वाले बंदे को फिनिश करना था। तो मैंने जाके लैंडमाइन से गाइज इस बंदे को भी फिनिश कर दिया। तो एक ही बार में गाइज एक ही गेम के अंदर रैंक मैच के अंदर जैसे कि विराज ने बोला था दो किल लैंडमाइन से मैंने कर दिया है। भाई ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड था भाई, मैं क्या बताऊं यार। आप मेरी खुशी आप देखो तब आपको पता चलेगा। लेट्स गो। सो गाइस अगर आपको ये गेम प्ले बढ़िया लगा तो लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। दो किल विथ लैंडमाइन, लेट्स गो। कितना मुश्किल था ये करना भाई, कितना मुश्किल था। मैंने कल पूरा दिन खेला है बस दो किल लैंडमाइन से करने के लिए और फाइनली वो अब हो रहा है यार, वो भी रैंडम स्क्वाड के साथ। मेरे सब्सक्राइबर ने मेरी हेल्प की है, देसी आर्मी ओपी। तो फाइनली यहाँ पर लैंडमाइन वाला चैलेंज कंप्लीट होता है। और गाइस मैं भी आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि सोलो रैंक मैच के अंदर जो बंदा लैंडमाइन से 5 किल करेगा उसके साथ मैं 1v1 करूंगा। और हाँ जो सबसे पहले करेगा उसके साथ करूंगा, ठीक है। वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पे, जो करेगा चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो नॉन यूट्यूबर हो चाहे वो कोई भी हो, आई डोंट केयर। 5 किल्स विथ लैंडमाइन अगर आपने कर दिया सोलो रैंक मैच के अंदर, मैं आपके साथ पर्सनली 1v1 करूंगा, मेरा प्रॉमिस रहा है, ठीक है। बट सबके साथ नहीं, जो सबसे पहले करेगा उसी के साथ। अभी गाइस दूसरा चैलेंज दिया है यहाँ पर स्मार्टी ने, देखते हैं गाइस स्मार्टी ने क्या चैलेंज दिया है। अमित भाई आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको एक लॉन्च पैड यूज करना है और वही लॉन्च पैड एनिमी यूज करे और जब वो यूज करके आपके पास आ जाए तो आप उसको मार दो। सो गाइस यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर चार बंदे आ रहे हैं। तो यहाँ से ना मैं गन उठाऊंगा और यहाँ से मैं लॉन्च पैड लेके भागने की कोशिश करूंगा। उनको ऐसा प्रिटेंड कराऊंगा कि मैं ना उनसे डर से भाग रहा हूँ, ठीक है, डर के मारे भाग रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना गन उठा लिया है, उनको पता नहीं होगा मेरा ऑटो पिकअप ऑन है। तो यहाँ से गाइज मैं लॉन्च पैड लेके सीधा भाग जाता हूँ। देखिए वो बंदे मुझे मार रहे हैं बट आई डोंट केयर गाइज, अभी मैं ना सीधा इस साइड आ जाता हूँ ये बुलसे वाले घर के ऊपर। अब मुझे पूरा भरोसा है वो चार बंदे हैं उनमें से कोई ना कोई तो एक ऐसा बंदा होगा जिसको चुल मची होगी कि वो मुझे आके मारेगा बोल के। तो यहाँ पर गाइज मैं बैठ के चुपचाप से वेट करता हूँ। तब तक तुम लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब लोग लाइक करो, इस वीडियो में 1,00,000 लाइक के एम किया है। और गाइज पूरा का पूरा चैलेंज, इतना सारा चैलेंज है, उनमें से सबसे हार्ड चैलेंज आपको कौन सा लगा कमेंट में बताना। और यहाँ पर एक बंदा आ चुका है और यहाँ पर गाइज बंदे को मैंने चारों खाने चित करके मार डाला। तो इस मांटी का चैलेंज यहाँ पर गाइज एक ही बार में कंप्लीट होता है। भाई यहाँ पर एडम देख के फ्लावर समझा है क्या, फायर है अपुन। नेक्स्ट चैलेंज मुझे दिया है यहाँ पर एक्स मानिया ने, देखते हैं मानिया ने क्या चैलेंज दिया है। अमित भाई आपको चैलेंज दे रहा हूँ M1917 है ना जो पिस्टल, उससे एक स्क्वाड मारना है। मानिया का चैलेंज भी बिल्कुल अजूबे की तरह है गाइस। यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि मैं यहाँ पर एक बंदे को मार दूँ, मान लो मैं सेकंड बंदे को भी मार देता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पर नहीं मार पाया हूँ, बट मान लो मैं सेकंड बंदे को यहाँ पर मार भी देता तो आप देखना यहाँ पर तीसरा बंदा इसी के पास है। चलो मैंने 3 किल भी कर दिया होता, बट देखो चौथा बंदा गाइस काफी ज्यादा दूर है। ये देखो देखो कहाँ अपना दुनिया में मौज कर रहा है, तो 4 किल तो होता ही नहीं। तो गाइस यहाँ पर अब मैंने सोचा कि 4 किल हो ना हो मैं 3 किल ही करूँ, 4 किल ही करूँ, मेरे को पूरा का पूरा स्क्वाड को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं उतर गया जहाँ पर एक स्क्वाड को मैं पीछा कर रहा था। तो अब मुझे बस डबल पिस्टल खोज के रस करना था। तो जैसे मैं थोड़ा सामने गया वहाँ पर मुझे डबल पिस्टल मिल गया और अंदर की साइड मुझे पता था कि एक स्क्वाड घुसा हुआ है और आई डोंट नो गाइज वो बंदे कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक मैच खेल रहा था और दो बंदे आप देख सकते हैं उतने दूर में, वो पता नहीं नाच रहे हैं क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। अभी मैं गाइज वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैंने ऊपर की साइड एक बंदा देखा, मुझे लगा कि उसने मुझे देखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बाहर की साइड आ गया बट उसे मुझे देखा नहीं था शायद से। बट मुझे पता चला कि नहीं उसने मुझे देखा हुआ था, वो रस कर रहा था, बट मैंने उस बंदे को पहले ही नॉक कर दिया। तो मैं यहाँ से भाग गया, उसको ऐसा प्रिटेंड कराया कि मैं यहाँ से भाग चुका हूँ, बट उनके टीम बहुत चालाक है बे, वो ऐसे थोड़े ना रस करेंगे, उनको पता होगा यहाँ पर कैंप कर सकता है। बट देखो अपना टीममेट नॉक है तो कोई ना ऐसे आके बचाने के लिए आ ही जाता है, मुझे पूरा भरोसा था। तो मैंने भी धैर्य से काम दिया, जैसे ही बंदा सामने आया
उस बंदे को मैं मारने लगा, बट मेरा एमओ काफी ज्यादा कम था, मेरा एमओ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था कि मैंने उसको नॉक कर दिया। अब मेरे पास आप देखो कितना कम एमओ है यार, सिर्फ 12 एमओ था, बट आते ही गाइस इस बंदे को मैंने हेडशॉट मार दिया, 3 बंदे को मैंने नॉक कर दिया, बट इसका चौथा बंदे को कहीं और जाके वो मर गया, तो मैंने इसका पूरा स्क्वाड को एलिमिनेट करा दिया। भाई साहब इस डबल पिस्टल तो क्या ही चलता है यार, मजा आ गया। मुझे सारे के सारे चैलेंज यूट्यूबर वाले ने दिया है, बट एक चैलेंज था जो मुझे सब्सक्राइबर ने दिया था, जिसका नाम था गाइस आयुष मिश्रा, जो कि आई डोंट नो कहां से बिलोंग करता है, बट उसने मुझे बोला था कि ये आग वाला गन से रैंक मैच में एक किल करके दिखाओ। तो गाइस यहां पर मैंने करीब 8-10 गेम खेला, तो डब्बे में मुझे आग वाला गन मिल गया, और इस आग वाले गन से मुझे रैंक मैच में एक किल करना था, जिसकी आप देख सकते हो मैंने उतरते ही आग वाले गन से यहाँ पर एक बंदे को मार दिया है, और मुझे रैंक मैच है कि नहीं ये भी दिखाना, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ ये रैंक मैच है कि नहीं, वरना तुम लोग विश्वास नहीं करके ऊपर देखो ये रैंक मैच है, ठीक है लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैंने 5 दिन के बाद ये सारा का सारा चैलेंज कंप्लीट कर दिया, मैंने 5-6 दिन तक कोई वीडियो नहीं डाला जस्ट फॉर वर्किंग ऑन दिस वीडियो। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे जो भी लोग नए हो सब लोग सब्सक्राइब कर दो, एंड आई रियली होप कि आप लोग इस टाइप का मस्त मस्त कंटेंट काफी अच्छा लगे, ताकि मैं भी इससे बेटर कंटेंट बनाने में अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। आई होप अच्छा रिस्पॉन्स आए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय।